नमस्कार, आप देख रहे हैं जसिंदी, मैं हूं गौतम ठाकुर। आवाम की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जनाब, रमजान का महीना आने वाला है। हाँ, मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि रमजान का महीना तो 5 मई से शुरू होगा, लेकिन अब उसको लेकर बात क्यों हो रही है? क्योंकि चुनाव की तारीखें जनाब वो आ चुकी हैं, और चुनाव की तारीखों की 3 तारीखें यानी कि 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और 3 तारीखें रमज़ान के महीने में पड़ रही हैं, और इसको लेकर राजनीति बहुत गर्मा गई है जनाब। कई पार्टियां, कई धर्मगुरु जो हैं वो सामने आए हैं, जिनकी ये प्रतिक्रिया है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जो ये 3 तारीखें रमज़ान के महीने में रखी हैं वो रखना ठीक नहीं था, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए था। अगर अभी भी हो सके तो तारीखें बदल दी जाएँ। लेकिन जनाब, क्या मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वोट देने पर उनको कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उनकी वोट काउंट को लेकर कोई प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से ये पार्टियां कह रही हैं? सोचने की बात है जनाब, क्योंकि एक पाक महीना है रमज़ान। न जब कामना की जाती है एक समाज के भले की, तो समाज के भले का काम क्यों ना हो पाए? यही तो चीज़ है जनाब, और यही वो बात है जो आज मैं जानने निकला हूँ। आज मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे, रमज़ान जानेंगे कि क्या है, उसका महत्व कितना है, और जानेंगे जनाब आम लोगों से कि आखिर वोट डालने वो जाएंगे तो आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, और उनको क्या लगता है कि क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा जिस तरीके से राजनीति आज हो रही है। तो चलिए अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं और कुछ आम नौजवानों से बात करते हैं। जनाब, जब बात हो रमज़ान की और जब बात हो राजनीति की, तो क्यों ना उन्हीं से ही बात किया जाए जो उसके जानकार हो, यानी कि मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों से हम बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि आखिर रमज़ान की कितनी इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी में है। सबसे पहले तो वही जानते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद नौशाद बेग। मोहम्मद साहब, आपको आपसे यही जानना चाहूँगा सबसे पहले कि तारीखें क्या हैं, रमज़ान कौन सी तारीख से शुरू है? इंशाल्लाह 5 मई। 5 मई से? जी, 5 मई से शुरू है और 4 जून तक जो है वो ख़त्म होगा। तो क्या क्या रहता है उसमें, किस तरीके से व्रत रखे जाते हैं, जैसे रोज़ा कहा जाता है वो रखा जाता है, थोड़ा सा मुझे समझाइए। रोज़ा रखते हैं हम लोग, सूरज निकलने से पहले सहरी खाते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, और गुरूब होने के वक्त सूरज, फिर रोज़ा अफ्तार करते हैं, ठीक है जी। और उसमें नमाज पढ़ते हैं पूरे 5 टाइम की, और रात को तरावी अदा करते हैं, ठीक है जी। शुक्रवार की नमाज, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी होती है, हर जो भी मुस्लिम धर्म को फॉलो करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है शुक्रवार की नमाज़ अदा करना। रोज़ा फ़र्ज है हमारे, उसमें इस्लाम के 5 रुकन हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। रोज़ा का इनकार करने वाला वो मुसलमान नहीं होगा। रखना बहुत ज़रूरी है, और रमज़ान के समय में रोज़े की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, रमज़ान जो है ना, रोज़ा फ़र्ज है हर एडल्ट पे, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, और जो इसे नहीं रखेगा वो गुनाहगार है। इसका इनकार करने वाला वो फिर इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो ज़िंदगी के काम हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो बराबरी बखूबी उसी तरीके से चलती है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो उसी तरह चलती है। इसमें क्या है, हमारे ना जो सुबह रमज़ान शुरू होता है रोज़ा, सुबह सादिक से पहले, तड़का जिसे कहते हैं सियान, उस टाइम उससे पहले पहले खाना खाया जाता है, और पूरे दिन कुछ नहीं खा सकते। शाम को ग्रुप होने के बाद, सूरज छिपने के बाद अफ्तार किया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा इबादत होती है तरावी, जो रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, उसमें कुरान को सुना जाता है और पढ़ा जाता है। मैंने ये भी सुना है कि रमज़ान का जब महीना आता है, वो तमाम बुराइयाँ, जो छोटी मोटी बुराइयाँ हैं, चाहे वो गाली हो, चाहे वो बहुत सी छोटी जिनको हम बुरी चीज़ें बोलते हैं, उनको पूरी तरीके से वो त्याग देता है। जी जी हाँ, बिल्कुल, उन पर कंट्रोल रखना पड़ता है। एक्चुअली फिर रोज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब आपको संभल के चलना पड़ता है, मतलब किसी की बुराई ना हो, कोई इंसान की आँख से कोई गंदी नज़र ना जाए किसी पर, बहुत चीज़ों को इन पर फॉलो करना पड़ता है इंसान को। मतलब ये एक पवित्र महीना है जिसको आपको पूरी पवित्रता से फॉलो करने की ज़रूरत है। हाँ, इंसान को ऐसे रहना चाहिए, पूरी ज़िंदगी इस तरह ही रहना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं ना, वो भी बिल्कुल सेट हो जाते हैं, और पूरा पेट वगैरह पूरी, यानी इस इंसान की जो बॉडी है वो पूरी सेट हो जाती है। शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए, जी हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए है ये, जो हम लोग रोज़ा रखते हैं ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होता है। जी, जैसे हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ठीक है ना, उन्हें फ़र्ज़ रखा है। ये बहुत ज़रूरी है, यानी ज़िंदगी के अंदर इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमाज़ और रोज़ा, ज़कात और हज है, ये बहुत ज़रूरी है।
ज़रूरी चीज़ है जनाब, क्योंकि वो तमाम बुराइयाँ त्याग देते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक मुस्लिम इन रोज़ों में जब उस अल्लाह को याद करता है, अपने परमात्मा को याद करता है, तो एक दुआ करता है कि समाज को सद्बुद्धि दे, इसकी अच्छाई की कामना करता है, अपने घर परिवार और इस पूरे देश को, पूरी इंसानियत के लिए एक अच्छे दिन की, एक अच्छी उसकी ज़िंदगी की कामना करती है, या कहा जाए एक अच्छाई की कामना करते हैं। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहूँगा जनाब कि चुनाव में वोट देने आप जाएंगे, तारीखें तय हो गई हैं कि जब जब आपके यहाँ चुनाव होंगे तो जाएंगे चुनाव देने? हाँ हाँ, वोट डालने तो डालेंगे, वोट तो डालेंगे जी, वो तो हमारा हक है, वो हक है, फर्ज है वो भी एक। अगर वोट नहीं देंगे तो हमारा नाम कैसे आएगा उसमें? वोट तो ज़रूरी है, ये तो एक रहने के लिए वोट ज़रूरी है। और ये जो रमज़ान का है ये अलग मामला है, इसमें कोई नेता लीडर ही नहीं, कोई और नहीं। अब अगर वो तारीखें जो लोकसभा चुनाव हैं, तीन तारीखें ऐसी हैं जो रमज़ान के महीने में पड़ रही हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, बस नमाज का टाइम नहीं होना चाहिए, नमाज के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बाकी और रोज़ा अफ्तारने से पहले पहले ये 5 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो 5 बजे बाद ना फिर तैयारी चल जाती है रोज़ा अफ्तारने की और खाना बनाने की, तो जो हमारी लेडीज़ है ना फिर वो जा नहीं सकती। ये वो चीज़ें हैं कि जो रोज़मर्रा की है ज़िंदगी में, लेकिन जो वोट का समय है वो भी साल में एक बार आता है, लेकिन रमज़ान के महीने में ये कहना, रमज़ान के महीने में ये कहना कि मुस्लिम जो हैं उनको तकलीफ़ होगी, वो वोट डालने नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा मुस्लिम लोग नहीं वोट डालने जा पाएंगे, क्या ये कहना सही है? नहीं, ऐसा है, सिर्फ थोड़ी बहुत दिक्कत ज़ईफ़ जो होते हैं ना, बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, थोड़ी बहुत उनको आएगी, बाकी वैसे नहीं आएगी इंशाल्लाह। बहुत हिम्मत अल्लाह देने वाला है, इंशाल्लाह डट के देंगे वोट, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे देश की इज्जत का सवाल है ये भी, ठीक है ना, बिल्कुल होगा कि देश का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में वोट की तारीखें आती हैं तो इससे कोई तकलीफ़ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, अगर बड़े बुजुर्ग को वोट डालना है तो वो पहले चले जाएंगे। बच्चों का दायित्व है कि वो बड़े बुजुर्गों को अपने साथ ले जाएं और वोट डलवाएं। अब ये तमाम सवाल मैंने आपसे इसलिए किए क्योंकि कुछ राजनेता, कुछ धर्मगुरु जो सामने आए जब चुनाव की तारीखें आई, तो उनका ये कहना था कि रमज़ान के महीने में जो चुनाव आयोग ने ये तारीखें रखी हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश है, ये गलत है, इससे जो है मुस्लिम जो लोग हैं वो ज़्यादा वोट देने नहीं जा पाएंगे। कितना आप सही समझते हैं इनकी इस बात? ये गलत है, इससे सारे जाएंगे जाने, बस ये है कि 5 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लेडीज़ को ना खाना बनाना होता है शाम में। और नहीं नहीं, जाएंगे जाएंगे सब, वोट डालने तो ज़रूर जाएंगे, वो हमारा हक है, वोट है जो वो हमारा हक है डालने का, रमज़ान से पहले पहले दे आएंगे वोट। एक अपील करते हैं चुनाव से कि इसका जो है ना शाम की बजाय ना सुबह को 2 घंटे फालतू कर दे, सुबह 6 बजे से कर दे, 6 बजे से कर दे, सुबह 6 बजे शुरू कर दे और शाम को 5 बजे ख़त्म कर दे, कोई फर्क नहीं। हाँ, हमारी भी यही अपील है कि सुबह पोलिंग टाइम जल्दी हो जाए, 7 बजे 7:30 बजे, ताकि रोज़ेदार सुबह जल्दी जाके वोट डाल दे अपना, ठीक है जी। उनको क्या जवाब आप देना चाहेंगे जनाब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि रोज़ा और चुनाव टकरा रहे हैं एक तरीके से, ये बातें भी सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म को तकलीफ होगी, उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई टकराव नहीं है, इंशाल्लाह सब जाएंगे और सुबह मतलब फजर के बाद से, मतलब यानी कि 6 बजे अगर काम ये शुरू हो जाए 6-7 के बीच में, तो ठंड ठंड में जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब डाल के आ जाएंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। ऊपर वाला बहुत हिम्मत देता है रमज़ान के महीने में, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, बहुत हिम्मत देता है ऊपर वाला, क्योंकि उस ऊपर की बंदगी आप कर रहे हैं तो वही हिम्मत देगा, और ये भी एक पाक काम है जनाब जो अपने देश के लिए आप कर रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप तकलीफ भी बता रहे थे मुझे कि चुनाव के टाइम में धूप बहुत होती है। नहीं, सही है कि चुनाव के टाइम में तकलीफ़ें बहुत होंगी, और रोज़े से लाइन में खड़ा होना दिक्कत तो है, लेकिन अगर आप सुबह में 1 घंटा या 1.5 घंटा हमें फालतू दे दोगे तो मुस्लिम ज़्यादातर सुबह में पोल कर देंगे अपना वोट, क्योंकि 10-11 बजे तक तो रोज़े का पता नहीं लगता, नो डाउट उसके बाद जो मज़दूर तबका है उनको पता लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, क्योंकि जो आदमी लाइन में खड़ा होगा और मज़दूरी कर रहा है या रोज़े से भी है तो वो एक ही काम कर सकता है, या वोट डालेगा या मज़दूरी करेगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो वैसे जैसे उन्होंने किया हुआ है, गवर्नमेंट ने अगर ऐलान किया है तो हम सब साथ हैं और करेंगे इंशाल्लाह पोल ऐसी बात। हाँ, जो मतदान के लिए लाइन लगती है, लाइन के ऊपर अगर टेंट लग जाए छाया, जैसे शादी ब्याह में शामियाना लगा देते, तो उससे रोज़ेदारों को थोड़ा सा रिलीफ, वो मिले, राहत मिलेगी। राहत
सुझाव है जनाब, ये सुझाव है। कोई और सुझाव आपके पास है जो आप चाहते हैं चुनाव आयोग के पास पहुंचे? ये है कि जो सुबह को है ना 2 घंटे पहले शुरू करा दिया जाए और शाम को जल्दी खत्म कर दिया जाए, 5 बजे से पहले। तो इनका 4-5 बजे का होता ही है, इससे इससे आगे का तो है। फिर शाम को एक नमाज भी होती है असर की, उसमें फिर दिक्कत आ जाती है काफ़ी, क्योंकि फिर एक जोहर की है, जोहर की तो अदा कर लेंगे, दोपहर की नमाज जो होती है 2 बजे वाली वो तो अदा हो जाएगी, लेकिन जो शाम की है उसके बाद थोड़ा सा मतलब इंसान को थोड़ा महसूस होने लगता है, ठीक है ना। हाँ, और फिर खाने का टाइम होता है, कहीं कुछ बांटने के लिए लेके जाते हैं बंदे। चुनाव के लिए उत्साह तो रहेगा, लोग जाएंगे जरूर, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं वो जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जाएंगे। यही वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जनाब, यही वो एक मसला है जो आज खड़ा किया जा रहा है, उसको लेकर बात की जा रही है कि जनाब कहीं ना कहीं रमज़ान है, बीच में चुनाव आ गए हैं, साजिश है, मिलीभगत है, बहुत सी ऐसी बातें जनाब आप भी सुन रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों से मिला, उनसे मैंने बात की, उनसे ये जाना कि आखिर वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। उत्साह आपने खुद देखा, क्या वो सोचते हैं? कुछ परेशानियाँ ज़रूर हैं जनाब, जो आप भी जब चुनाव वोट डालने जाते हैं आप भी देखते हैं, वो परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन उसका समाधान भी ज़रूर किया जाएगा। टेंट की बात की, टेंट भी लगे होते हैं जनाब जब जहां पे चुनाव होते हैं, लेकिन वोट डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आम नौजवान क्या सोचते हैं जो मुस्लिम धर्म से नहीं है, जो आम जिंदगी जी रहे हैं, जो वोट डालने ज़रूर जाएंगे और उनका मकसद भी वही है जो इनका है, एक अच्छी सरकार जो देश के विकास में काम करे। तो चलिए उनसे बात करते हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जनाब। तारीखें निर्धारित हो गई हैं और उस पर राजनीति होना भी शुरू हो गई है, तो इसीलिए आज अपने आवाम के बीच निकले हैं जनाब, नौजवानों के बीच निकले हैं, ये जानने निकले हैं कि आखिर इस राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से रमज़ान के महीने में जो चुनाव की तारीखें आई हैं उसको लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं, आज ये जानते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। पारुल बख्शी। सो पारुल कहाँ की रहने वाली हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की हैं, क्या बात है। सो पारुल यही जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि रमज़ान का जो महीना होता है जब रोज़े रखे जाते हैं, सो उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? थोड़ा बहुत इतना तो नहीं जानती, बट इतना ज़रूर पता है कि बहुत ही पाक महीना है, इट्स वेरी सेक्रेड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी पर्टिकुलरली, ऑल्सो उन्हीं के लिए, उन्हीं को उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता है, हमें तो सिंस वी हैव अ हिंदू मेजॉरिटी हियर, अदरवाइज आई एम नॉट सपोर्टिंग और यू नो नेगेटिंग अ कल्चर अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट अदरवाइज दे मस्ट बी नोइंग बेटर देन दैट। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि उनका धर्म है लेकिन इज्जत हर एक के दिल में उनके लिए है, हर एक कोई जानता है कि उनका वो महीना बहुत पाक है जिसमें ना वो झूठ बोलते हैं ना वो कोई गलत काम करते हैं, हर चीज़ों से वो दूर रहते हैं। लेकिन चुनाव भी जनाब एक तरीका का त्यौहार है, लोकतंत्र का त्यौहार है जिसे कहते हैं, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बहुत सी बातें अभी सामने आ रही हैं, कुछ राजनेता भी ये कह रहे हैं कि भैया अभी आपने जो तारीखें रखी हैं ये जो रमज़ान के महीने में रखें ये गलत है, ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। आपको क्या लगता है जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वेल आई फील इट्स एन इलेक्शन स्टंट, हो भी सकता है ये कि रिलीजन को एक रिलीजन हैज़ ऑलवेज बिन दिस मीडियम टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, टू हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ वोट बैंक, तो ये हो भी सकता है, बट ये उन्हीं को ही पता है जो इलेक्शंस में और जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो उन्हीं का ये इट्स आई डोंट थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस, आई फील इट्स ऑन पर्पस, इट्स डन ऑन पर्पस, एंड हाँ ये इसलिए भी हो सकता है कि रिलीजन के थ्रू वो डिवाइड। क्या ये कामयाब होगा आपको लगता है कि आज जो लोग हैं जो नौजवान हैं जो वोट डालने जाएंगे क्या उन पर इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है? उन पे किसी पे इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और किसी पे नहीं, सो इट्स अ मिक्स एंड मैच, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सन, ऑन द काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर, बट उसका तो पता चल ही जाएगा 23 मई को, इट्स नॉट वेरी फार। बिल्कुल ये बहुत दूर नहीं है और इसका पता बहुत जल्द ही चल जाएगा। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। इशिता। इशिता, राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं? पॉलिटिक्स, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू से, बट वोट डालने में तो इंटरेस्ट होना चाहिए और होगा भी। डेफिनेटली, और अभी जैसे आपने कहा कि यूथ का वोट पे क्या असर होगा, आई डोंट थिंक आजकल का यूथ दे हैव बिकम अ बिट रैशनल, तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक वोट बैंक पे कोई फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग रैशनली एंड ईच वोट काउंट्स, सो अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ का नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन जो इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में चुनाव आयोग ने ये गलती की है उसको ध्यान रखना चाहिए था तारीखों का, आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जो तारीखें रखी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो और बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, आपको क्या लगता है? फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा, अगर रमज़ान के महीने में इलेक्शन डेज वोटिंग डेज रख दिए गए तो फ़र्क तो ऑब्वियसली पड़ेगा, पर्पसली रखना या नहीं रखना इसके बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट
हो सकता है कि हाँ एक इलेक्शन स्टंट है, बट मुस्लिम्स ऑल्सो काउंट एज अ मेजॉरिटी कई एरियाज में, और उनकी वोट भी काउंट करती है. सो आई थिंक कि उन्होंने किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा, वोट्स डालने ज़्यादा लोग आएंगे या वोट्स डालने कम लोग आएंगे, किस तरीके से? दो पहलू हैं, क्या लगता है आपको? कम, मेरे हिसाब से कम लोग आएंगे. आपको लगता है कि कम लोग आएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कम लोग आएंगे. पीपल दीज डेज आर वेरी मच इन्फॉर्म्ड, तो वोट डालने तो ज़रूर आएंगे. हाँ, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होके वो डाल सकते हैं, उनका कलर्ड परसेप्शन के साथ वो आ सकते हैं, वो आई रियली कांट कमेंट ऑन दैट. बट वोट करने, बिकॉज ईच वोट काउंट्स एज शी हैड जस्ट सेड, सो वोट डालने तो वो आएंगे. तो सिमरन, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी हैं, वोट देने आप डेफिनेटली जाने वाली हैं, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती हैं, राजनीति किस तरीके से आपको लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति काफ़ी हद तक नीचे गिर गई है. टॉकिंग अबाउट हिंदूज, टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स, रेदर देन फोकसिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर और द डेवलपमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो रिलीजियस मैटर्स को लेकर या कल्चर को लेकर या एथेंटिक वैल्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉलिटिक्स ये नहीं है. पॉलिटिक्स इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए rather than focusing on other things. तो मेरा ये मानना है कि focusing on this कि आपका किस तरह का value है या क्या आपकी ethnic values हैं, उनके ऊपर भाव ज़्यादा डालते हैं. तो मैं किसी पॉलिटिक पार्टीज़ के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि कौन सी बेटर है, कौन सी नहीं, कौन सा किसने क्या किया है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से उन लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ अपना ध्यान हटाकर मेन जो चीज़ है हमारे इंडिया के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन्स के लिए, उन पर फोकस करना चाहिए. तो चलिए, अब मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करें, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात ज़्यादा होती है, लेकिन राजनीतिक पार्टी वही करना चाहती है या वही बोलती है जो आम लोग सुनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की राजनीति आज इस कदर तक क्यों पहुंच गई है? अगर आपकी बात सुन, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम लोग क्या सुनना चाहते हैं. मैं ये जानती हूं कि आप जिस तरह बोलते हैं या जिस तरह का इम्पैक्ट आप डालते हैं, वही हम लोग सुनते हैं. इट्स लाइक कि आप जिस तरह का इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट करेंगे, हम वही सुनना चाहेंगे. अगर आप हमारे लिए यही फोकस करते रहेंगे कि रिलीजन इंपॉर्टेंट है, हिंदू धर्म इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम धर्म इंपॉर्टेंट है, ये वाला धर्म इंपॉर्टेंट है, या यहाँ पर वो राम मंदिर बनना चाहिए, दिस एंड ऑल, तो अगर आप इन चीज़ों पर हमारा वो डालेंगे, हम पर भाव डालेंगे कि इस तरह के है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा कुछ सुनना पसंद करें. ऑल दो मेरा इंटरेस्ट यही कहता है कि मैं कभी भी ऐसी न्यूज़ में नहीं इंटरेस्ट लेती, ना मैं ये देखती हूँ कि क्या बनेगा या कौन सा हिंदू रिलीजन या कौन सा मुस्लिम रिलीजन, कौन सा सिख रिलीजन होगा. मैं ये देखती हूँ कि इस पार्टी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कितना किया है, इन्होंने फॉरन जाके कितने इन्वेस्टमेंट्स लेके आए हैं, क्या इनफ्लोज रही हैं, क्या FDIs रही हैं. बहुत बेहतरीन. एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी क्या है कि जब से ये बात सामने आई कि चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें निर्धारित हो गई हैं, तो कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जो धर्मगुरु हैं, वो भी निकल कर आए हैं. उनका कहना है कि रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखते हैं मुस्लिम पूरा एक महीना, उस महीने के बीच में 3 तारीखें जानबूझ के डाली गई हैं ताकि मुस्लिम जो लोग हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट ना कर पाएँ. क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बात या बयानबाजी सामने आना कहाँ तक सही है? मुझे से लगता है कि रमज़ान एक बहुत ही खूबसूरत महीना रहता है मुस्लिम रिलीजन के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए, क्योंकि हर कोई इसको बहुत ही खूबसूरती तरीके से सेलिब्रेट करता है. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पॉलिटिक्स का फिर से इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. इलेक्शंस की डेट जिस भी तरह से हो, इस तरह से हो कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, एंड रीज़न कोई भी हो, हर किसी को वोट करना चाहिए, नो मैटर वॉट एवर इट इज़. आई थिंक वोट करने में हार्डली आपका सिर्फ 1 मिनट लगता है, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट, बट यू हैव टू थिंक बिफोर यू हैव टू वोट. सो मुझे नहीं लगता कि डेट्स एक्चुअली में इफेक्ट करती हैं कि कौन से डेट पर रखना चाहिए वोटिंग इलेक्शन. तो सचिन, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रमज़ान के महीने में लोकसभा चुनाव की तारीखें आई हैं और उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है, कई पार्टियां जो हैं प्रतिक्रिया दे रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? एक्चुअली देखिए, इलेक्शन है, ये इलेक्शन का टाइम है, हमारा 5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, होने वाले हैं, और यही टाइम था इलेक्शन होने का. अगर इलेक्शन कमीशन हर पार्टी से पूछ के इलेक्शन करवाने लग गया तो शायद इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ हैं, हर पार्टी का अलग ओपिनियन होगा. हर पार्टी चाहेगी कि हमारे तरफ हमारे तरीके से इलेक्शन होने चाहिए, हमारी डेट्स में इलेक्शन होने चाहिए. और कोई ना कोई, भारत एक ऐसा देश है जहाँ 33,000 देवी देवताएँ हैं, कभी ना कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन किसी देवता का कोई ना पूजा जाता हो. तो अगर हम
इलेक्शन ऐसे सोच के करने लगे तो हमारा इलेक्शन पूरे 365 दिन कभी भी कंडक्ट नहीं हो सकता। तो ये बेबुनियादी बातें हैं, सिर्फ इलेक्शन का माहौल को कहीं और लेकर जाने की बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हर पार्टी के अलग ओपिनियन है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का इन चीज़ों को छोड़ के, इन चीज़ों के बाद हमें सिर्फ इलेक्शन में फोकस करना चाहिए और ऐसी सरकार चूज़ करनी चाहिए जो आके देश के हित के लिए काम करे और देश के हित को आगे लेके जाए। इसको ये भी देखा जा सकता है कि चुनाव ये वही लोग जो हैं आगे आ रहे हैं या जिनकी पार्टियां या जो पार्टियां अभी जीतने, जिनको लगता है कि वो नहीं जीत पाएंगी, वही इस तरीके के ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं, क्योंकि कई और नेताओं ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिनका ये कहना है कि जो नहीं जीत पा रहे हैं वही इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये राजनीति जो है वो एक अलग स्तर पर ही जा रही है, जो धर्म की राजनीति जिसे हम कहते हैं कि उसे राजनीति में नहीं घुलना मिलना चाहिए, वो होने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी चुनावी माहौल है, जो चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान में अभी 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कौन पार्टी हैवी है, कौन जीत रही है, किसकी सरकार बन रही है। अभी बहुत जल्दी होगी। और दूसरी बात है, जिन पार्टियों के पास मुद्दे नहीं है, जिन पार्टियों के पास काम करने का कुछ नीतियाँ नहीं है, वो पार्टियाँ इन चीज़ों की बात करके शायद मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है, आम आदमियों को डाइवर्ट करना चाहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और इन पार्टियों को शायद इतना टाइम और इतना दिमाग अगर ये काम करने में लगाएं तो इनकी पार्टियों की सीट भी आएंगी और ये पार्टी कुछ अच्छा भी करेंगी। इनको अपना दिमाग शायद इन मुद्दों से हटाकर इलेक्शन पे लगाना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बातें फैलाने से क्या वोट में कोई कमी आएगी? क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रमज़ान के महीने में ये तारीखें रखी गई, इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो कम वोट देने आएंगे? जो भी मैच्योर वोटर है इंडिया का, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, उसने वोट तो एक काम को देख के लिए, काम जिसने किए हैं उसको ही वोट डलेगी। और अगर ऐसा मुद्दा आ रहा है रमज़ान के महीने में, वोटें अपना इलेक्शन की डेट्स आ रही हैं, अभी इससे भी थोड़ा नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम बस यही चाहते हैं जो भी पार्टियाँ इस मुद्दे पे बात कर रही हैं उनको हमारा यही मैसेज है, यही उनसे रिक्वेस्ट है, अभी अपना जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स हर बंदा करता है, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह रहना चाहिए। और हम चाहते हैं अभी जो हमारा जो कंसंट्रेशन है काम की तरफ होनी चाहिए, भी हमें ये बताना चाहिए लोगों के, आम लोगों के बीच जाकर भी, जो 5 साल से सत्ता में पार्टी रही है, 5 साल आज पूरे हो चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन कमीशन ने डेट तय कर दी है, और हमें जो मेन अपना बेसिक पॉइंट है भी जो पार्टी ने क्या काम किए हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे लोगों के साथ, किस वायदे पर वो अपना पूरा खरे उतरे हैं, लोगों को क्या उन्होंने जुमले किए हैं, जो देश में इतना बड़ा GDP अपनी नीचे आई है, जो भी अपने नुकसान हुए हैं देश के, उन सबको आगे डिस्क्लोज करना जरूरी है। सबका ये मेन बेसिक टारगेट हर लीडर का ये होना चाहिए, ना कि इन डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो। लेकिन चुनाव का जो माहौल है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तय करेगा कि आने वाले देश का भविष्य क्या होगा, किस तरीके से चुनावी जो रणनीतियाँ बनाई जाएंगी उस पर काम होगा। भविष्य तो एक वोटर ही डिसाइड करेगा ना, अगर वोटर को फिर गुमराह करेंगे और वोटर हमारा दोबारा फिर गुमराह होगा, तो देश का हालात तो पहले भी 5 साल से ख़राब है, दोबारा फिर 5 साल आने वाले में पता नहीं कैसा हो जाएगा, मैं तो बस सोच ही नहीं सकते भी क्या हालात होने वाले हैं अपने देश के। हम तो सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं भी आने वाले अपने का जो अपना मतदान है, जो आपकी वोट है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, सही बंदे को, सही कैंडिडेट को आगे लाएं, सही बंदे को वोट करें और अपने देश को हम उसकी ग्रोथ समझ कर वोट करने की बहुत ज़रूरत है, आकलन करने की बहुत ज़रूरत है। आपको मैं आपके पास आना चाहूँगा, जैसे कहा जा रहा है, मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ कि मुस्लिम जो वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे अगर रमज़ान के महीने में ये तारीख रही तो, क्या आपको लगता है कि एक पाक महीना होता है उसमें और ज़्यादा वोट बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? मुस्लिम कम्युनिटी की स्पेशली आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे भारत में 135 करोड़ के करीब हम लोग पॉपुलेशन टच कर रहे हैं, 90 करोड़ वोटर्स हैं, 15 करोड़ मुस्लिम्स हैं। तो अगर ये बात की जाएगी 15 करोड़ मुस्लिम, जो आप मानते हैं कि यानी 10-15% हो गया हमारी पॉपुलेशन का, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट कम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कोई 1% फ़र्क पड़ सकता है, 2% फ़र्क पड़ सकता है, बट शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि देश की माहौल ही बदल जाएगा। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्शन को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये इलेक्शन का जो माहौल है, ये इलेक्शन इस टाइम करवाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे हम एक समुदाय या एक पार्टी समुदाय भी नहीं कह सकते, मुस्लिम समुदाय को भी अगर देखा जाए तो किसी को भी सिर्फ उनके जो पाखंडी लोग हैं, जो उनके जो धर्म का धंधा करते हैं, राजनीति का धंधा करते हैं, शायद उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक सच्चे भारतीय को, एक सच्चे हिंदुस्तानी को जिसने वोट करना है, जो अपना भविष्य अच्छा देखते हैं सरकार में, उस इंसान को शायद कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और युवा लोग हैं हमारे जैसे, हम तो चाहते हैं कि सरकार को जवाब दें, तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो 19 तारीख आए, वो इम्तिहान खत्म हो, 23 मई का रिजल्ट बताए कि ये बीजेपी की सरकार को हम बाहर कैसे करें।
बिल्कुल जनाब, यही वो जोश है जो होना चाहिए एक वोटर में, यही वो चीज़ है जो बदलाव ला सकती है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि वोट डालना है तो आपको डालना ज़रूरी है। धर्म की राजनीति से परे हटकर आपको वोट डालने की ज़रूरत है। जनाब ज़रा सोच के देखिए कि अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आपके वोट ना डालने की सज़ा आपको ही मिलेगी, क्योंकि अगर आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो तय होगा जो आप चाहते हैं। तो जनाब हिंदू मुस्लिम इस तरीके की राजनीति में ना पड़े, सोचें कि किस पार्टी ने क्या काम किया, किस तरीके से काम किया, और उस पार्टी के काम का आकलन करें, तब जाकर वोट दें। तभी जाकर बनेगा एक सक्षम, एक समृद्ध देश जो कहलाएगा आपका अपना देश। तो चलिए, क्योंकि निर्धारित बहुत जल्द हो जाएगा, 23 मई बहुत पास है, कि आखिर लोकसभा चुनाव कौन जीता, कौन सी पार्टी की बागडोर, कौन सी पार्टी के हाथ में देश की बागडोर आई। तो चलिए, आवाम की आवाज़ का सफ़र जो था जनाब, फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी आवाम की आवाज़ में, एक नए मसले को लेकर आवाम की राय जानेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।